इसके बाद पार्टी को उन्होंने बनाने का काम किया है, पार्टी का स्थापना उन्होंने किया है। वो क्या है, इस्तीफा उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, जिस लड़ाई को उन्होंने जीवन भर लड़ा है इन कारणों से है। अभी हमारी पार्टी को, हम लोगों को चिंता है उनके स्वास्थ्य। आदरणीय रघुवंश बाबू ने अभी तक अपने जुबान से कुछ नहीं कहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच इससे पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद है रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उससे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से भी इन्होंने, जब उनको कोरोना संक्रमण हुआ था तो पटना एम्स में भर्ती थे, उस दरमियान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बेशक उनके जो इस्तीफे को आरजेडी स्वीकार नहीं की थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है दिल्ली एम्स से आ रही है, जहाँ रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति बहुत ख़राब, तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से उनको एडमिट कराया गया, आईसीयू में भर्ती हैं, और उन्होंने एक पत्र वहां से लिखा है लालू प्रसाद को, आज का डेट देकर लालू प्रसाद को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में बहुत कुछ इस्तीफा देते हुए बहुत कुछ, मतलब बहुत कम शब्द में बहुत कुछ कहा है। अभी पत्र हम चाहेंगे जैसे हमको मिलता है हम आप तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद हमारी बातचीत हुई आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। आदरणीय रघुवंश बाबू ने अभी तक अपने जुबान से कुछ नहीं कहा है। उनका लिखित इस्तीफा जो मीडिया में आप लोग दिखा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। इस पर तहकीकात करके क्या बात है, किन कारणों से है। अभी हमारी पार्टी को, हम लोगों को चिंता है उनके स्वास्थ्य की। वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, कल तबीयत बिगड़ी थी, दिल्ली के आईसीयू एम्स में भर्ती होना पड़ा था, तो हम लोगों की चिंता फिलहाल वहाँ है। वो स्वस्थ हो करके हम लोगों के बीच में आए। इसके बाद पार्टी को उन्होंने बनाने का काम किया है, पार्टी का स्थापना उन्होंने किया है। वो क्या है, इस्तीफा उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, जिस लड़ाई को उन्होंने जीवन भर लड़ा है, जिसके कारण आज पूरे देश में जो वातावरण बना है इसी के खिलाफ तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उनकी चिंता देश के आम नागरिकों के, किसानों के प्रति रही है, और किन कारणों से दिया है, इन सारे मामले को देखने के बाद हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर जो भी होगा उसके बाद जो निर्णय होता है हम इस पर आधिकारिक बयान देंगे। लेकिन रघुवंश बाबू पर हम लोगों को पूरा विश्वास है और रघुवंश बाबू हमारे थे, हमारे रहेंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।